साथियों नमस्कार। राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज क्या मुख्य मांग है इसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाला है? ये तिरंगा यात्रा एक नई शुरुआत है भारत देश में। पुरानी पेंशन को लेकर गोरखपुर के नौजवान एक अंगड़ाई लिए हैं और गोरखपुर का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो विश्व के मानचित्र में चौरी चौरा जैसे ऐतिहासिक घटना होती है। और गोरखपुर का नौजवान यह यात्रा तब तक चलाएगा लगातार संघर्षरत रहेगा। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ पेंशन बहाली चालू हुआ है। किसी दल से प्रभावित यात्रा नहीं है, यह गैर दलीय यात्रा है। यह यात्रा कर्मचारियों मध्यम वर्गीय कर्मचारियों की है जो पुरानी पेंशन से वंचित हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो आज के जनप्रतिनिधि सांसद विधायक पुरानी पेंशन पाते हैं पर जो 35 साल नौकरी करता है अपनी जीवन का विभागों में देता है उसको पुरानी पेंशन से वंचित की जा रही है। ये दूसरे तो हमारे पटरी व्यवसाय संघ के सुधाकर ये बताइए अध्यक्ष जी, आप किस मुद्दों को लेकर के यात्रा कर रही है? नौजवानों का जन फैलाव आप देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाई राणा राहुल आज ये पेंशन बहाली को लेकर के जो एक नींव रखी गई है उस नींव में पटरी व्यापारी पार्टी समर्थन करती है क्योंकि जब नेताओं को पेंशन मिलना